वक्त यूरोप में बहुत टेंशन है। जर्मनी में एक बड़े युद्ध की तैयारी चल रही है। नेटो के देश अपने इतिहास के सबसे बड़े युद्धाभ्यास में जुटे हुए हैं और इसके जवाब देने के लिए रूस की नौसेना बाल्टिक सागर में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। और इस युद्धाभ्यास में जहां एटमी मिसाइल फायर किए गए तो वहीं परमाणु हथियारों को ले जाने वाले बॉम्बर TU-95 भी उड़ान भरते नजर आए। अब साफ है कि नेटो का जवाब देने के लिए पुतिन बड़ी युद्ध की तैयारी में जुट गए हैं। शांत समंदर का सीना चीर कर मिसाइलें निकलती हैं और आसमान तक आग का गोला फैला देती हैं। रूस की नौसेना ऐसे ही पूरे बाल्टिक सागर को थर्रा रही है। एक के बाद एक मिसाइल लॉन्च होती रहती हैं। ये बाइडेन का सबसे बड़ा खौफ कहा जा सकता है, नाटो की बड़ी दहशत कही जा सकती है। ऐसी तैयारी दिखाने के लिए रूस ने अब बाल्टिक सागर को चुना और फिर सिर्फ बाल्टिक देश ही नहीं, पूरा नाटो, पूरा यूरोप और अमेरिका तक कांप उठा। देखिए कैसे व्लादिमीर पुतिन बाल्टिक सागर में डायरेक्ट नाटो को चुनौती दे रहे हैं, अमेरिका को ललकार रहे हैं, यूरोप को धमका रहे हैं। युद्ध वाले स्क्रीन पर ये सब कैसे होता है, बहुत गौर से देखिएगा। सबसे पहले वॉरशिप से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ज़िरकॉन निकलती है और हवा से भी तेज रफ्तार से आसमान में खो गई। फिर समंदर के ऊपर रूस का सबसे भरोसेमंद परमाणु फाइटर जेट TU-95 आया और कैलिब्र मिसाइल फायर करके दुनिया को रूस की परमाणु अटैक की तैयारी दिखाई। लेकिन सबसे ज्यादा डराया बुलावा मिसाइल ने। पानी के अंदर सबमरीन से बुलावा निकली और आसमान में अपने टारगेट की तरफ बढ़ गई। बाल्टिक सागर में इन मिसाइलों का शोर थमा नहीं था। क्योनिक्स मिसाइल ने समंदर में कोहराम मचा दिया और इसके बाद ही MiG-31 आया और किंजल मिसाइल लॉन्च करके पुतिन ने अपना अटल इरादा दुनिया को बता दिया कि रूस अपनी इन्हीं 5 मिसाइलों से परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है। पुतिन का इरादा साफ है कि वो यूक्रेन पर ही रुकने वाले नहीं है। वो हर उस देश को सबक सिखाना या कंट्रोल करना चाहते हैं जो उनकी आंखों में खटकता है और इसमें सबसे ऊपर नाम है बाल्टिक देशों का। यही वजह है कि पुतिन बार बार इन्हीं देशों के आसपास अपना परमाणु युद्धाभ्यास कर रहे हैं। पुतिन के टारगेट पर हैं एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, तीनों नाटो और यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं। इन्हें बाल्टिक देश भी कहते हैं। ये बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर बसे हैं। तीनों यूक्रेन के कट्टर समर्थक हैं। ऐसे में पुतिन के पक्के दुश्मन भी हैं। तीनों देशों को 24 फरवरी 2022 यानी पिछले साल से ही इस बात का अंदेशा है कि वो कभी भी पुतिन के गुस्से का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में नाटो की अगुवाई और अमेरिका की रहनुमाई में ये देश खुद के बचाव की तैयारियों में जुटे हैं। इनकी तैयारियां कैसी हैं आपको आगे दिखाएंगे। अभी आप तीनों बाल्टिक देशों की टेंशन बढ़ाने वाली तस्वीर देखिए जो बाल्टिक सागर से ताजा ताजा आई है। बाल्टिक सागर में रूस के युद्ध अभ्यास की ये तस्वीरें हैं। 10 दिनों में पुतिन के ये जंगी जहाज ऐसे एक्शन में रहे जिसने पूरे यूरोप की नींद उड़ा दी। अमेरिका में अलग अलग दूतावासों के फोन बजते रहे, पूरा नाटो हॉटलाइन पर बिजी रहा क्योंकि पुतिन के इन हथियारों का यूरोप के पास कोई जवाब नहीं है। समंदर को बेचैन करते ये वॉरशिप जंगी अभ्यास के मिशन पर ऐसे दिन रात शोले बरसा सकते हैं, यही पुतिन ने दिखाने की कोशिश की है। रूस की सेना के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में 40 से ज्यादा जहाज, 25 से ज्यादा विमान और करीब 3,500 जवानों ने हिस्सा लिया। यूक्रेन में रूस डायरेक्ट युद्ध कर रहा है लेकिन साथ ही वो कई मोर्चों पर ड्रिल भी कर रहा है। इन ड्रिल में रूस अपने उन मिसाइलों को सबसे ज्यादा आजमा रहा है जो जंग में रूस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इन्हीं में से एक है ज़िरकॉन। ज़िरकॉन मिसाइल क्या है ये देखने से पहले आप इसको लॉन्च होता हुआ देखिए और फिर आपको बताएंगे कि आखिर रूस की इस मिसाइल को लेकर दहशत इतनी ज्यादा क्यों है। ये पुतिन का बहुत ही खतरनाक हथियार माना जाता है
और इस बात को पूरा यूरोप मानता है कि अगर ज़ेरकॉन से हमला हुआ तो उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये मिसाइल पहले लॉन्चर से निकलकर एक तय ऊंचाई पर जाती है, इसे वर्टिकल लॉन्च कहते हैं, और फिर यह अपने टारगेट की तरफ तेजी से हमला करती है। ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 7000 मील प्रति घंटे यानी 11000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है, यानी ज़ेरकॉन एक सेकंड में 3 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करती है। इस मिसाइल की रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर के बीच है, यानी अपनी पूरी रफ्तार के साथ ये अपने टारगेट को 8 से 9 मिनट के अंदर हिट करेगी। आपको ज़ेरकॉन का वीडियो दिखाते हैं जो जुलाई 2021 का है, जब इस मिसाइल को बैरेंट्स सी में टेस्ट किया गया था। इस टेस्ट को लेकर पुतिन ने बहुत बड़ा दावा किया था, वो ये कि रूस ज़ेरकॉन को 2022 के अंत तक अपनी नौसेना में डिप्लॉय कर देगा, और ये बात सच साबित हुई है। रूस की नई हाइपरसोनिक मिसाइल ज़ेरकॉन के बारे में ये दावा किया जाता है कि जैसे इसे लॉन्च किया जाता है ये तेज रफ्तार से आसमान की तरफ भागती है और फिर कहां गायब हो जाती है पता नहीं चलता, यानी इसे ट्रैक कर पाना भी दुश्मन के लिए मुमकिन नहीं। ज़ेरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो पनडुब्बी, वॉरशिप या जमीन पर लगे लॉन्चर से दागी जा सकती है। यह मिसाइल 30 फीट लंबी है और यह 400 किलो तक का वॉरहेड लेकर हमला कर सकती है। कौन 200 किलो टन तक के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ज़ेरकॉन में स्क्रैम जेट इंजन लगा है जिसकी बदौलत यह 28 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। पुतिन की इस नई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रफ्तार ने यूक्रेन के साथ कई देशों की परेशानी बढ़ा दी है। आवाज से 9 गुना रफ्तार या फिर 1 सेकंड में 3 किलोमीटर वाली रफ्तार, ये ऐसी स्पीड है जिसको रोकने की ताकत किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के पास नहीं है। जब तक दुश्मन इसे ट्रैक कर पाएगा तब तक ये अपने टारगेट के करीब पहुंचकर उसे खत्म कर चुकी होगी। रूस ने जब से यूक्रेन में अपना स्पेशल अभियान शुरू किया है कई देश रूस से नाराज हैं, तो कई देश रूस के खिलाफ। इन्हीं देशों में से हैं बाल्टिक सागर के पास के बाल्टिक देश जो यूक्रेन की खुलकर मदद करने में लगे हैं। यही वजह है कि तीनों बाल्टिक देश पुतिन की आंख की किरकिरी बन चुके हैं, क्योंकि रूस से जंग में एस्टोनिया ने जिस आक्रामक तेवर के साथ यूक्रेन की मदद की उतनी किसी और देश ने नहीं की। फरवरी 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एस्टोनिया ने यूक्रेन को 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा की सैन्य मदद की है, जो उसके रक्षा बजट का करीब आधा और जीडीपी से 1% ज्यादा है। लातविया ने भी यूक्रेन को लगभग 3270 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता की है, जो उसके 2022 की जीडीपी के करीब 1% ज्यादा है। लिथुआनिया ने यूक्रेन को अब तक करीब 3535 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता की है। सवाल है कि क्या यूक्रेन और उसको हथियार सप्लाई करने वाले देशों की तबाही की तारीख पुतिन ने अब तय कर दी है। सवाल है कि चाहे ज़ेलेंस्की हो या फिर नाटो, वो पुतिन के इस ब्रह्मास्त्र को कैसे रोकेंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद बाल्टिक सागर में टेंशन काफी बढ़ गई है। टेंशन की तस्वीर पिछले महीने आई थी जब यहाँ रूस और अमेरिका के फाइटर जेट भी आमने सामने आ गए थे। रूस के द नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक अमेरिका और रूस के विमानों के बीच बाल्टिक सागर के ऊपर भिड़ंत हो गई। दावे के मुताबिक अमेरिका के 2 B-1B बॉम्बर रूस की सीमा की ओर उड़ान भर रहे थे। इन बॉम्बर को आगे बढ़ने से रोकने के लिए रूस की तरफ से एक Su-27 फाइटर जेट को उतारा गया, और Su-27 फाइटर जेट के आसमान में मोर्चा संभालने के बाद अमेरिका के दोनों बॉम्बर भाग खड़े हुए। बाल्टिक सागर ही ऐसा मोर्चा नहीं है जहां टेंशन चरम पर है, बल्कि एक और मोर्चा है जहां से निकलने वाली एक चिंगारी दुनिया को परमाणु युद्ध में धकेल सकती है। वो मोर्चा है जापान सागर और ओखोत्सक सागर। यहां रूस की पैसिफिक फ्लीट का बहुत बड़ा अभ्यास चल रहा है। जापान सागर और ओखोत्सक सागर में रूस की पैसिफिक फ्लीट 20 जून तक एक्सरसाइज करेगी। इसमें 60 से ज्यादा युद्धपोत, करीब 35 विमान और 11000 से ज्यादा जवान हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी बात यह है कि रूस के ड्रिल से एक दिन पहले ही नेटो देशों ने भी सालाना बाल्टिक अभ्यास की शुरुआत की। इसमें 50 जहाज, 45 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और 11 देशों के करीब 6000 जवान शामिल हैं। जाहिर है इसके जवाब में रूस ने भी बाल्टिक फ्लीट को एक्टिव कर दिया है। खतरा बड़ा है। अभी नाटो और रूस अभ्यास खेल रहे हैं, लेकिन यह अभ्यास अगर सचमुच युद्ध में बदल गया तो बाल्टिक का पानी खून से लाल हो सकता है।
पुतिन ने अपना दबदबा कायम करने के लिए बहुत सी मिसाइलें दागी हैं। एक एक मिसाइल लॉन्च से ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि अमेरिका और उसके साथियों को डराया है। पुतिन के मिसाइल लॉन्च का नया वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि पुतिन की ताकत कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती जा रही है और ये नाटो के लिए बहुत ही खतरनाक मैसेज कहा जा सकता है। पुतिन की मिसाइल पावर का ये लेटेस्ट सबूत है और इस वीडियो को रिकॉर्ड करके कीव के अलावा वॉशिंगटन डीसी और खास तौर से लंदन भी भेजा गया है ताकि पुतिन के दुश्मनों को समझ में आ जाए कि रूस का इरादा क्या है और पुतिन किस हद तक जा सकते हैं। पुतिन ने 2022 में किया अपना वादा पूरा किया है। वादा ये था कि 2023 में अपना नया हथियार दिखाएंगे। पुतिन के हमले और युद्धाभ्यास ये बताते हैं कि 2023 में ही वो जेरकॉन मिसाइल के साथ कुछ बड़ा करने वाले हैं और ऐसा जून के महीने में ही हो सकता है। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए यूक्रेन युद्ध को 16 महीने होने वाले हैं। इस बात से सब वाकिफ हैं, लेकिन इसका अंत कब होगा ये फिलहाल कोई नहीं जानता। 2023 में तो रूस की सेना अपनी मिसाइलों से यूक्रेन में बहुत ज्यादा तबाही मचा रही है, लेकिन हर बढ़ते दिन के साथ रूस पर युद्ध खत्म करने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। नाटो देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं और लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इसी वजह से यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को ही रूस ने अपनी मिसाइलों से डराना शुरू कर दिया है। ये पुतिन का मैसेज है कि अगर उनके और ज़ेलेंस्की के बीच कोई आया तो अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। और महायुद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये बहुत बड़ी खबर, कीव पर मिसाइल हमला यूक्रेन ने नाकाम करने का बड़ा दावा किया। यूक्रेन ने रूस की 12 मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है, जिसमें 6 हाइपरसोनिक केंजल मिसाइल भी शामिल है। और ये सभी मिसाइल रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाते हुए सादी थी, दागी थी, लेकिन यूक्रेन का साफ तौर पर कहना है कि रूसी सेना के इस हमले को यूक्रेन ने नेस्त नाबूद कर दिया, फेल कर दिया।